हमें भी लगता है कि हमारी बारी है, अगर मम्मी नहीं मानेंगी तो जिस लड़की से हम प्यार करते उसको भगा करके ले आएंगे घर पे, बाकी जो होगा मम्मी हमको मारेगी, कूटेगी, हड्डी तोड़ेगी, चाहे जो भी होगा देख लिया जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों तो रागनेश्वरी आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हरी भरी खेत आप लोग देख सकते हो, प्यारा सा तोता जिसको सुबह सुबह सेव और अमरूद मिला है खाने के लिए, और ये हमारा प्यारा चिड़िया, और यहाँ पे हमारे प्यारे से खरगोश, प्यारी सी बहन रागनी, गुड मॉर्निंग बोल दो। कैसे मैं जस्ट, मैं भी नहावा के बड़े तरीके से फ्रेश हुआ हूँ, और ये टी शर्ट 2 साल बाद में पहन रहा हूँ। जब मैं वीडियोस बनाया करता था यूट्यूब पे तब ये टी शर्ट लिया था। आशीर्वाद देना हमारी प्यारी सी मम्मी जी के साथ, मम्मी यहाँ पे बैठी हुई, मम्मी आशीर्वाद दे दो, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत अपना करते रहो, बच्चों सबको, मेरे बेटा बेटी सुबह के पहर गुड मॉर्निंग मुस्कान के साथ, मेरे भाई बहन सुबह के पहर एकदम मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग आशीर्वाद है, मेरे बच्चों सबको आशीर्वाद भरपूर है, मेरे भाई बहन को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ा देंगे। तो ये सुबह हमारी प्यारी बहन सुहानी जो है खाना बना रही है, सुहानी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? जा कथी का और बहन से एक सिस्टर है इंस्टाग्राम पे, तो हम लोग वीडियो बनाने के लिए बात कर रहे थे, तो वो भैया भैया करके बात कर रही थी, तो सुहानी सुन ली, तो सुहानी बोलती है कि वही आपका बहन है, हम बहन नहीं है। अच्छा तुम भी बहन हो, अच्छा तुम ही बहन हो। तो भाई आप लोगों को पता है कि सवेरे सवेरे हमारा एक ही काम रहता है, अभी वीडियो को एडिटिंग करना है, वीडियो को अपलोड करना है, फिर फ्री माइंड होकर के आराम से फिर ब्लॉग करना है। सीन कुछ ऐसा कि हमारे घर में बना हुआ चावल जो आपकी प्यारी बहन सुहानी इसको पसार रही है और हम लोग को धमकी दे रही है कि घर से निकाल देंगे, खाना नहीं देंगे। हाँ नहीं दोगे खाना घर में? देखिए कैसे रंगदारी करती है। अरे अभी ये नारियल को फाड़ना ताकि आपकी प्यारी बहन रागनी खा लेगी, उधर मम्मी जी बैठी हुई है। बस अभी का यही अपडेट था जो हमारे यहाँ चावल बना है। जस्ट अभी व्लॉग को मैंने एडिटिंग करके कंप्लीट कर दिया, अभी सेविंग में लगा दिए, जब ये सेविंग हो जाएगा तो अपलोड में लगा देगा। टाइम कितना हो रहा है देखो, 10:07 हो रहा है। मम्मी जी को बोले हैं कि खाना निकालो फटाफट, तो मम्मी खाना निकाल ले, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर सोचते हैं कहीं चलेंगे घूमने के लिए, और अभी पैसे वैसे हाथ में है नहीं तो कहाँ चलेंगे। इतना ज़्यादा तबीयत खराब था, 12-1 बजे रात में अलग ही सीन हो गया था उसे, ऐसा हो गया ना कि रीढ़ का प्रॉब्लम है, और जब कोविड का वैक्सीन लसू के लेकर के आए थे तो मेरा हाथ काम करना ही बंद हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था, ऐसा सीन हो गया था। तो मम्मी को बुलाए, फोन करके ऊपर आई, फिर मम्मी थोड़ा तेल से मालिश कर दी, तो अभी थोड़ा काम कर रहे हैं यहाँ, ऐसा हो गया था समझिए, लसू से ना सुन पड़ गया था हाथ, ऐसा हो गया था क्योंकि हमारे शरीर में पहले से प्रॉब्लम है। ठीक है मम्मी खाना निकाल दो। ये देखो तोता किस तरीके से खा रहा है अमरूद को, एक सामने जा कर के बनाएंगे तो वो भाग जाएगा। तो मैया मुरी अभी चोखा बना रही है, मैं नहीं माखन खा रहा है। अभी खाना का तैयारी चल रहा है, खाना ना बन जाता है खाते हैं, फिर थोड़ा देर आराम करते हैं, अभी हल्की हल्की धूप हो गई गाइस। देखो खाने में निकला हुआ है दाल चावल चोखा, इधर दही मीठा सा, और इधर रही आपकी प्यारी बहन मम्मी, सब लोग एक साथ बैठ करके आज खाना खा रहे हैं। मम्मी सबको खाना खिला दें, जल्दी जल्दी मुंह खोलो, मेरे बेटा बेटी मेरे भाई बहन मम्मी के हाथ से खाना खा लो, दाल चावल और चोखा, चोखा है इधर दही, आइए खा लीजिए, मुंह से पानी रागनी जी को खिला दे, खिला दे रागनी को खिला दे। हाँ इसको बोलते हैं फैमिली का प्यार। चलिए तो बोलते हैं फैमिली का प्यार, आप लोग भी अपना फैमिली को खिला कीजिए, ऐसे प्यार बनता है। जस्ट अभी आपकी प्यारी बहन सुहानी पढ़ के आ गई है, हमको बोल रही है कि दाल भात खाइए भैया, हम तो खा लिए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा जुट्ठा छूटा हुआ है ना, मम्मी के और दीदी का, और हम लोग खाए तो उस चीज़ का, तो ये बोल रहे हम नहीं खाएंगे किसी का जुट्ठा, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे तुम्हारा जुट्ठा, खा ले रहे हो। तो भाई अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, आज हमारे इंस्टाग्राम पे यानी यूट्यूब चैनल पे तो 2,70,000 होने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे 1,00,000
34,000 हाँ 33,000 से 34,000 हो जाएंगे एक दो घंटे के अंदर में, तो फॉलोवर कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू सो मच, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। अभी तक जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लो। अगर लाइट का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब इसको छूते हैं तब ये जल पाता है, देखो अभी ठीक है, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। ये बोल रही कि सारा दही हम खा गए, इसको दही मत देना खाने के लिए, थोड़ा सा भी दही मत देना इसको खाने के लिए, इसके लिए दही है। हाँ भादरौनी है ही दे तुम तो। अनार देखे, अनार फड़ा है कि नहीं अभी तक? एक बात बताएं गाइस, अभी इतना बड़ा पेड़ हो गया, अभी तक एक भी दाना हम नहीं खाए, और जो बड़ा बड़ा अनार फड़ा था पता नहीं गायब हो गया कहाँ। इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज़ पे ध्यान रखा करो, नहीं तो वो गायब हो जाता है। गाइस आप लोगों ने एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं हमारे गाँव में, देखना बड़ा गौर से देखना। ये देखो सामने ये जो हरियाली है वहाँ पर घोड़े चढ़ रहे हैं, ये देखो ये पहली बार देखने को मिला है हमारे गाँव में। वो देखो भाग रहे सारे को साफ करके और यहाँ पे पसार दिए हैं। और भैया का ये रहा कुर्ता, ये देखिए कैसे मचला गया बारिश आने वाला। ये देखो मौसम का नज़ारा, आप लोग देख सकते हो ये कैसे हुआ है, और आप लोग देख सकते हो उधर भी मौसम का नज़ारा। ये सब अभी जो है सारे कपड़े को ये देखिए प्रेस कर चुके, और अभी जा रहे हैं बर्तन धुलने और झाड़ू लगाने। यहाँ पे देखिए झाड़ू अभी जा रहे हैं, देखिए कितना तेज। तो आपके सुहानी बहन देखे घास करने के लिए गए बकरियों के लिए और खरगोश के लिए। सुहानी देख रही है हमको। इधर रही मम्मी, इधर आपकी प्यारी बहन। मम्मी वाला टेंशन में है, हम बोल रहे हैं कि हमको बाल कटवाना है तो पैसा ही नहीं दे रही है। बोले क्या जरूरी है बाल कटवाने की बताइए। कल हम कटवाने के लिए गए थे बाल दाढ़ी, और दुकान ही बंद था, हम कटवा ही नहीं पाए। और अभी कैसी ऐसा है, मम्मी को पैसा दे दिए गलती से, तो मैंने बोल लिया कि है नहीं, खर्च हो गया, तो बाल कटवाए कैसे हैं गलती से पैसा नहीं है। रील्स नहीं बना रहे दो तीन दिन से, जो भी रील्स बना रहे हैं ना एकदम बुढ़ा की तरह हम देख रहे हैं आप लोग। हम सोच रहे हैं कि दाढ़ी और बाल कटवा ले बढ़िया तरीके से, ताकि अब रील्स बनाए बढ़िया से। लाओ ना पैसा, बीस रुपया में कहाँ से कटेगा। हमें अभी रील्स बनाना था, आपकी प्यारी बहन सुहानी जो है कपड़ा को ही साफ करती है। अब ये गीला है, ये कल तक सूखेगा भी नहीं, क्योंकि मौसम का नज़ारा आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बारिश होने वाला है मौसम। हम अभी सोच रहे थे कि दाढ़ी वाड़ी कटवा ले बढ़िया तरीके से, और इस कपड़े को पहन करके बढ़िया से रील्स बनाए हैं। आप लोगों का कमेंट एक ही चीज़ रहता है कि भैया यार आप एक ही कपड़ा पहनते हो, आपके पास पैसे नहीं है, फ़ोन खरीदने के लिए पैसे हो जाते हैं लेकिन कपड़े खरीदने के लिए नहीं। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, जिसके ऊपर जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो वो कभी अपने लिए कपड़े नहीं देखते। भले मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोगों ने बना दिया होगा, उस पर इंस्टाग्राम पे 1,00,000 फॉलोवर है, तो 3,00,000 यहाँ पे है सब्सक्राइबर, तो सोच रहे होंगे कि बहुत पैसा कमाता होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, जो आप लोग सोचते हो, क्योंकि मुझे फैमिली को देखना पड़ता है, सबका पेट पालना पड़ता है, सबकी ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। तो बात रहेगी फ़ोन वाली, तो फ़ोन की ये होता है कि अगर क्वालिटी अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ब्लॉग आप लोगों को कैसे देंगे, तो पूरा परिवार को देखना पड़ता है। इस वजह से जो है मैं अपने मन को मार लेता हूँ। 1,00,000 ऊपर आ गई है, अभी हम लोग को रील शूट करना है। मम्मी भी आ रही है, सुहानी को भी, सुहानी को बुला दो ना। मम्मी सुहानी को बुलाओ ना, सुहानी को आ रही है, आ रही घास लेके आ रही है। अरे वाह कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, देखो सुहानी को। अभी जस्ट अभी रील शूट करके हम फ्री हुए हैं, और दोनों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गया। अभी अपने गिर गए, और अग्नि को बार बार बोलती है कि अभी तक छाती हो गया था, हमसे ललते रहती है। जाओ मम्मी दवाई ले आओ बकरी के लिए, छोड़ दो उसको, छोड़ दो वो खिचला जाएगी, वो चिढ़ती है, ये चिढ़ती है। देखो खरगोश को खाने के लिए बिल्ली किस तरीके से है, देखो वो देखो भागे। यानी जितने सारे खरगोश से प्यारा प्यारा सा रखा हुआ उस पर बिल्ली की नजर है। आज हमने पकड़ा ऑन कैमरा,
दो मुर्गा मुर्गिया थी, एक मुर्गे को खा गए, वो बेचारी पैर से नहीं चल पाती थी, इसी मारे जिसको गर्दन पकड़ के ले गए। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो हम कोविड वाला वैक्सीन लगवाए थे, ये हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था रात में, तो मम्मी अभी बर्फ़ लेकर के आई है। देखिए हमारे यहाँ फ्रिज नहीं होने के कारण आधा बर्फ जो पिघल गया ना मम्मी, थोड़ा कहाँ से लाइए बर्फ, ये बर्फ लाए वहाँ से बाजार से आइसक्रीम वाले के यहाँ से। हाँ। देखो ऐसे जुगाड़ किया जाता है हमारे गांव में बर्फ। आप लोग यहाँ तो फ्रिज रहता होगा जो सिटी से देख रहे हैं। बड़ा ठंडा ठंडा यार मम्मी। ये फायदा होता है जो सूर्य लिए हुए बढ़िया तरीके से चारों तरफ दवा फैला नहीं है तो फैल जाएगा और दर्द भी कम हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताओ। बाकी सुहानी का भी यहाँ इलाज हो रहा है क्योंकि इसको भी पानी चढ़ा था तो कम से कम 3 से 4 टाके लगाए थे, यहाँ यहाँ ऐसे करके जो है सुई दिया गया था तो इसको भी अब जो है लगा दिया जा रहा है। बर्फ का पानी है हमारे अभी का नहीं है इसको, जब तबीयत खराब हो गया था उस टाइम में, उसी टाइम का इसको दर्द हो रहा है। जब ही तो हम लोग को इलाज होने के बाद जो है हमारी प्यारी सी बकरी यानी खसी को जो है दवा पिलाया जाएगा। पकड़ो ना उसको, पकड़ लो कुछ नहीं करेगा, पकड़ो। हाँ पकड़ो जोर से मम्मी पकड़ो उसको, दबा के पकड़ो। हाँ पिलाओ चिल्ला रहा है। सब्जी बनाने के लिए तेल यहाँ पे कड़ू का निकाल के रखती है और जा रही दूध लाने के लिए। ठीक है जाओ बंद कर। ठीक है बंद। देखो किस तरीके से मम्मी तेल रख देती है। सुहानी लो, रागनी कहाँ ऊपर हो तुम? ठीक। अभी खाने बनाया जा रहे गर्मा गर्म रोटी जो आपके प्यारी बहन के हाथों का है। कचरी बन गया? दिखाओ रोटी, देखे जला तो नहीं है ना, दिखाओ इधर। अरे वाह, मजाक कर रहे गाइस, बहुत ही प्यारा रोटी बना, आप लोग भी आओ खा लो। तो ये बन रहा है कचरी आपके प्यारी बहन रागनी के हाथों का। हाँ मजा आ जाएगा आज के खाने में। तो गाइस गर्मा गर्म खाना जो बन के रेडी हो चुका है, चावल और कढ़ी यहाँ पे कचौरिया, वाह वाह मजा आ रहा है। और इसके साथ साथ पता है आपको क्या मिल रहा है पीने के लिए? रसना। चीनी मिलाई हुई इसमें? चीनी मिला तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू रागनी। चलो खाना वाना खा लेते हैं फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस अभी मम्मी का मुरझाया हुआ शक्ल देख सकते हो आप लोग, और 2-4 दिन से हम दाढ़ी भी नहीं कटवा रहे, यही वजह है। हमें भी लगता है कि हमारी बारी है, अगर मम्मी नहीं मानेंगी तो जिस लड़की से हम प्यार करते उसको भगा करके ले आएंगे घर पे। बाकी जो होगा मम्मी हमको मारेगी, कूटेगी, हड्डी तोड़ेगी, चाहे जो भी होगा देख लिया जाएगा। तो गाइस जी एक मजाक है, ऐसा अगर होगा तो देखा जाएगा, ये भविष्य के लिए है। लेकिन काफ़ी दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि रागनी दीदी का शादी हो गया तो अब आपकी शादी की बारी है, शादी कब कर रहे हो? तो इस चीज़ को लेकर के हम थोड़ा नर्वस है ना। और बाकी जो हमारी गर्लफ्रेंड है यानी आपकी राजा ब्लॉग मिसेज राजा ब्लॉग है, थोड़ा मुस्कुरा दो। तो मम्मी का ओपिनियन है, मम्मी इस चीज़ में ना बोल रही है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मम्मी का अभी 6-7 शर्त है। पहला कि कहीं पे एक अलग घर बनाना है, दूसरा कार लेना, तीसरा कि ये घर का प्लास्टर करवाना, और चौथा जो मेन मुसीबत हुआ है जो छोटकी है देख सकते हैं आप लोग, इसके लिए लड़का ढूंढना, इसकी शादी करवाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सच बताया तो ये मजाक में इसलिए बोले ताकि आप लोग को ईजी लगे, कोई बड़ी बात नहीं ये चीज़ करना, बट यूट्यूब पर अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये पॉसिबल है ना। मम्मी जोर से बोलो, अभी नहीं ले आए लेकिन अभी थोड़े ब्याह कर लिए हैं तो ऐसे कैसे अपना मन से ले आए अभी लाने के लिए हम लोग ऑर्डर नहीं देंगे तब तक ऐसा शादी हो जाएगा। तो अभी मम्मी का कहना है कि अभी तुम 6 से 7 साल तक रुको, तब तक हम बुढ़ा हो जाएंगे, जानते हैं अभी 21 साल का हो गया तो 7 साल 27 28 साल का हो जाएंगे तो कोई ब्याह नहीं करेगा हमसे ऐसे। गाना में सब आदमी सब जितना बच्चा सब है सब सुना है ना। हाँ। जे का करू रहा मुझे बुढ़ा मिल गया, तो बुढ़ी का ही होगा इंतजार करने में,
तो गाइस सीरियसली मैं बता दूं, आप लोगों का कमेंट रहता है यही चीज़ है कि भैया शादी कर लो। तो अभी सच बताऊं तो शादी वादी करने का अभी कोई भी विचार नहीं हमारे फैमिली को लेकर के, क्योंकि अभी भी मैं अपने आप को बच्चा मानता हूं। ठीक है, हमारी फैमिली में सिस्टर की शादी करना जरूरी है, क्योंकि ढलती उम्र के हिसाब से शादी करना भी जरूरी है। समाज भी एक तरीके का सवाल उठाते हैं हमारे घर के कि हाँ, अगर बड़े भाई का कर्तव्य है तो आप शादी करो। बट अभी हम एक लड़का है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपना लाइफ में, क्योंकि हम चाहते हैं कि मम्मी पापा को हम एक ऐसा घर लेना चाहते हैं जहाँ पे कार वार लगी हो, हमारी अच्छी सुखी से ज़िंदगी जिए बढ़िया से। तो ये सब चीज़ों को लेकर मैं मेहनत करूँगा। अभी अभी तो शादी के लिए भूल जाइए, करीबन अभी होगा तब देखा जाएगा ऐसा। बाकी मम्मी नहीं मांगे तो भाग कर ले जाएंगे, बाकी जो होगा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, क्या बोलते हो आप लोग, है ना। तो बस सब बेटा बेटी सब सुन रहे हैं भाई भाई, जो बोल रहे हैं जो भगा करके लाएंगे, तो भगाने का मतलब यह होता है जो मम्मी को दिल से नहीं है ये समझेगा, भगा करके ले जाएगा तो इसको घर कहाँ है, जो कौन नहीं भगाएंगे, मजाक कर रहे हैं, घर में नहीं रहने देंगे, वीडियो डालेंगे इसे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसको लिए आप लोग सब फंस रहे हैं। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, चैनल में चल नहीं चुप रहेंगे, मेरे बेटा बेटी सब देख रहा है, ऐसा नहीं होगा गाइस, अभी बहुत मेहनत करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 3 लाख कंप्लीट करवा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 3 लाख कंप्लीट करवा दीजिए। बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। बगल में इंस्टाग्राम का आईडी जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।